आरसी ट्रैक्टर रोबोट वर्सेस शैतानी जेसीबी रोबोट। गोदावरी नाम का एक बड़ा सा शहर था। उस शहर की खासियत थी कि वो शहर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। काफी लोगों का कहना था कि वो पहाड़िया कई हजार सालों पहले अनजान रोबोट्स का घर हुआ करता था, लेकिन अभी बस खाली पहाड़िया ही वहाँ बची हुई थी, जिस वजह से शहर के लोग भी चैन से उस शहर में रह रहे थे। लेकिन उनकी ये सोच जल्द ही टूटने वाली थी। शहर में मोहन नाम का एक वैज्ञानिक उन पहाड़ियों पर अपनी रिसर्च कर रहा था और उसे उन पहाड़ियों के बारे में कुछ जरूरी बातें भी पता चली थी, जिसकी रिपोर्ट बनाकर इस बारे में बात करने वो अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाता है। सर, मुझे शहर के पहाड़ियों के बारे में कुछ जरूरी बातें पता चली है, मुझे लगता है आपको इस रिपोर्ट को देखना चाहिए। अरे मोहन, क्यों तुम अपना समय उन पहाड़ियों के पीछे गवा रहे हो? जितना काम मैंने बताया बस तुम उतना ही करो, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की कोशिश मत करो। इस तरह से मोहन के सीनियर उसकी बात को टाल देते हैं, लेकिन मोहन अपनी रिसर्च उन पहाड़ियों पर जारी रखता है। एक रात अचानक से शहर में तेज भूकंप आने लगते हैं, बड़े ही तेजी से धरती हिलने लगती है और एक भयानक आवाज के साथ एक पहाड़ी को चीरते हुए उसके अंदर से एक शैतान जेसीबी रोबोट बाहर आता है। उसे देखकर लग रहा था कि वो बड़े ही गुस्से में है। वो जेसीबी रोबोट पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है, बिल्डिंग्स को तोड़ने लगता है को आग लगा देता है, जिस वजह से सारे शहर के लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन ये सब मोहन अपने लैब से देखता रहता है। आखिर जिसका डर था वही हुआ, मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और अब ये सब हो गया। सारा मंजर देखकर मोहन अपने सीनियर को सारी बात बताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि वो शैतान जेसीबी रोबोट अब शहर के लोगों को भी मारने लगा था। ये सब देखकर मोहन के सीनियर ऑफिसर मिलिट्री को उस रोबोट को रोकने के लिए बुलाता है। मिलिट्री वहां आते ही उस रोबोट पर गोलियां और तोप के गोले बरसाने लगते हैं, लेकिन इस वजह से रोबोट को कुछ नुकसान नहीं होता और उल्टा उसे बड़ा गुस्सा आता है। गुस्से में वो रोबोट आग उगल कर सारी मिलिट्री को ही जला देता है। ये सब देखकर बाकी के मिलिट्री के जवान वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन शैतान जेसीबी रोबोट यही नहीं रुकता और वो और भी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। तब मोहन अपने सीनियर से कहता है, सर, अगर इस जेसीबी रोबोट को नहीं रोका गया तो ये पूरे शहर को बर्बाद कर देगा। अरे शहर ही क्या, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं इस बर्बादी को देखने के अलावा। लेकिन सर, इस तरह बर्बादी होते हुए देखने से अच्छा है कि क्यों ना हम अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट ट्रैक्टर रोबोट को एक्टिवेट कर दें। अरे लेकिन उस प्रोजेक्ट का तो किसी ने टेस्टिंग भी नहीं किया, अगर उसे हमने लॉन्च किया और कुछ और ही गड़बड़ हो गई तो फिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन सर, इस तरह से बर्बाद होते हुए कब तक देखते रहना सर। तब मोहन के समझाने पर उसके ऑफिसर मान जाते हैं और ट्रैक्टर रोबोट प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने की वो मंजूरी दे देते हैं। मोहन जल्दी से अपने लैब जाता है और प्रोजेक्ट ट्रैक्टर रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। मोहन ट्रैक्टर पर लगा हुआ एक बटन दबा देता है। वो बटन दबते ही साधारण सा दिखने वाला एक ट्रैक्टर अचानक से एक बड़े से रोबोट में बदल जाता है। इस उम्मीद में कि ट्रैक्टर रोबोट शैतानी जेसीबी रोबोट को मार देगा, मोहन बड़ा ही खुश रहता है। देखते ही देखते ट्रैक्टर रोबोट और शैतानी जेसीबी रोबोट के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन ये क्या, शैतानी जेसीबी रोबोट शुरुआत से ही ट्रैक्टर रोबोट पर भारी पड़ रहा था, तो देखते ही देखते ट्रैक्टर रोबोट को मार मार के नीचे गिरा देता है। ये देख ऑफिसर मोहन से कहते हैं, अरे ये क्या मोहन, हमारा प्रोजेक्ट तो असफल हो गया, अब हम क्या करेंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता सर, लेकिन मेरे ख्याल से हमें अभी के लिए पीछे हटना ही बेहतर हो जाएगा, अगर जिंदा बचे तो कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। तब मोहन के कहने से कुछ मिलिट्री वाले सिपाही ट्रैक्टर रोबोट को उठाकर उसे वापस लैब में ले जाते हैं।
मोहन उस ट्रैक्टर रोबोट की तरफ ही देखता रहता है और सोचता है, आखिर हमारे रोबोट को मारने वाला भी तो एक रोबोट ही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी कमी हमारे ट्रैक्टर रोबोट में है जो शैतानी जेसीबी रोबोट के सामने ये 2 मिनट भी नहीं टिक पाया। इस तरह से मोहन काफी देर तक सोचता है और कुछ काम करता है। लगातार कुछ घंटे काम करने के बाद उसे अपने एक रोबोटिक इंजीनियर दोस्त राघव की याद आती है और वो उससे मिलने चला जाता है। मोहन को देखते ही राघव कहता है, आओ आओ मोहन, मुझे पक्का यकीन था कि तू जरूर मुझसे मिलने आएगा। अरे जब तुझे पता था तो तूने कम से कम कॉल तो करना चाहिए था। कम से कम जो इतनी तबाही हुई वो तो कम होती। तब मोहन और राघव दोनों मिलकर बातें करते हैं और राघव कुछ सामान लेकर मोहन के लैब में आता है। राघव उस ट्रैक्टर रोबोट को देख कर उसमें कुछ जरूरी बदलाव लाता है और उसे एक रिमोट कंट्रोल से जोड़कर उसे अपग्रेड करता है। अरे राघव, आखिर तूने इसमें क्या बदलाव किए जो ये शैतानी जेसीबी रोबोट को हरा देगा? अरे मोहन, जो बदलाव किए हैं वो सब तू तब देखेगा जब ये शैतानी रोबोट से भिड़ेगा। कुछ ही वक्त में रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट फिर से उठ खड़ा हो जाता है और इस वक्त पहले से भी वो ज्यादा ताकतवर बना रहता है। मोहन और राघव दोनों मिलकर उसके साथ शैतानी जेसीबी रोबोट को ढूंढते हुए जाते हैं। उस वक्त वो जेसीबी रोबोट दूसरे शहर में बर्बादी फैला रहा था। उसे देखकर राघव रिमोट कंट्रोल ट्रैक्टर रोबोट को एक्टिवेट कर देता है। ट्रैक्टर जोरों से भागने लगता है और जैसे ही वो शैतानी रोबोट के पास जाता है, ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है और उससे भिड़ने लगता है। ये सब देख मोहन कहता है, ये हुई ना बात, अब बच के दिखा शैतान रोबोट। ट्रैक्टर रोबोट अपग्रेड किए हुए हथियारों से उस शैतान रोबोट पर वार किए जाता है। वो उस शैतान रोबोट को संभालने का मौका ही नहीं देता और उस पर टूट पड़ता है। देखते ही देखते ट्रैक्टर रोबोट शैतानी जेसीबी रोबोट को मार मार कर अधमरा कर देता है। तभी राघव ट्रैक्टर रोबोट को रोकता है और कहता है, बस बस ट्रैक्टर रोबोट, अब इस शैतान को बख्श दो। इस पर हमें रिसर्च भी करना है कि आखिर ये कहां से आया है और हमारी धरती को ये क्यों बर्बाद करना चाहता है। राघव और मोहन थोड़ी देर बातें करने के लिए बाजू में आते हैं कि तभी वो शैतानी जेसीबी रोबोट अपने अंदर से एक शक्तिशाली बम निकालता है और राघव और मोहन की तरफ फेंक देता है। लेकिन तभी ट्रैक्टर रोबोट उस बम को लेकर ऊंचाई पर फेंक देता है। वो बम ऊंचाई पर जाकर जोरों से फट जाता है और किसी को भी कोई हानि नहीं पहुंचती। अबे शैतान, तेरी तो रस्सी जल गई पर बल नहीं जला। तब मोहन ट्रैक्टर रोबोट को कुछ आंखों से इशारा करता है, जिसे देखते ही ट्रैक्टर रोबोट कई सारे बम एक साथ उस शैतान रोबोट पर दे मारता है। जोरों का धमाका होता है और इस तरह से शैतानी जेसीबी रोबोट राख में बदल जाता है।